हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 जून 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ आज हमें डिस्कस करनी है। तो हमारी जो पहली न्यूज़ है वो आई है नेशनल हेल्थ रिसोर्स रिपोजिटरी के बारे में, NHRR के बारे में। तो क्या है ये, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। आपको पता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम वगैरह चलाती है हेल्थ के लिए, बट दिक्कत क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास एक जगह सेंट्रलाइज डाटा नहीं होता है। तो इसलिए एक रिपोजिटरी, मतलब आप बोल सको एक तरीके का स्टोरेज बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट के पास जिस भी तरह का डाटा हो हेल्थ से रिलेटेड, उसको एटलीस्ट एक जगह रखा जा सके। मतलब टू डेवलप ए सिंगल प्लेटफॉर्म, मतलब एक गवर्नमेंट को सिंगल प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ रिसोर्स, जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे रहेगी। इसके साथ ये भी रहेगा कि भाई हमारे देश में कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, कौन कौन से एरिया में कैसी फैसिलिटी है, मतलब पूरा ओवरव्यू वहाँ पे रहेगा। तो सारा कंटेंट है वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए रिपोजिटरी बेसिकली बनाई जा रही है। तो इसमें जगह जगह डाटा सेंटर वगैरह बनाए जाएंगे, और उसकी हेल्प से जो भी हॉस्पिटल हैं और डॉक्टर हैं, इसके साथ मेडिकल इक्विपमेंट हुए या फिर और भी जो मेडिकल मैन पावर वगैरह हुई, NGO वगैरह जो भी हेल्थ के लिए काम करते हैं, तो सारा डाटा एक जगह रखा जाएगा। इसी के साथ अहम बात यह है कि इसमें जियो टैगिंग भी की जाएगी। जियो टैगिंग ये है, जैसे आपने कई बार गूगल के अंदर कोई, जैसे आपको स्कूल वगैरह का कुछ एड्रेस देखना हो, तो आप उस स्कूल को टाइप करते हो तो आपको उस स्कूल की लोकेशन दिखा देता है कि हाँ भाई ये स्कूल यहाँ पे, फिर आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। तो वो क्या हुआ, जियो टैगिंग होगी एक तरीके से। वो कि मतलब उस स्कूल को क्या है कि गूगल मैप पे उन्होंने पुट कर रखा है, इसलिए हम जब भी सर्च करते हैं तो हमें गूगल मैप पे इजिली दिखा देता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं जियो टैगिंग, मतलब उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो टेक कर दी जाती है, ताकि इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकें। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है वो लिया गया है। अब ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है वो तो देखो अभी स्टार्टिंग हम देख लेते हैं। एक बार नागालैंड में भी इसको स्टार्ट किया गया है, तो वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ कहाँ है इसको अभी स्टार्टिंग फॉर्म में, इनिशियल फॉर्म में स्टार्ट वगैरह के थ्रू स्टार्ट है किया गया, बट मेन एम में इसका पता होना चाहिए। इसके साथ ही जैसे और एक दो अहम पॉइंट इसके ये हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह है इसकी डाटा सिक्योरिटी जो पार्टनर है। देखो ऑब्वियसली अब इसरो इतना सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसको सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो वो काम किया जाएगा इसरो के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, इसरो है वो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाएगा, ताकि इजीली डाटा है वो मतलब इधर उधर वेस्ट ना हो जाए और उसको डाटा का लॉस है वो भी ना हो। इसके बाद में अहम बात यह है कि इसमें सारा डाटा है वो ऑथेंटिक होगा और स्टैंडर्डाइज है वो भी रहेंगे। मतलब जितने जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे, उन स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे डाटा है वो स्टोर किया जाएगा। अभी देखो दिक्कत क्या आती है, आपको पता है कई बार गवर्नमेंट है ना, उसके पास खुद के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट साइट्स वगैरह इधर उधर से डाटा को कलेक्ट करती है। और आपको पता है कि जो विकीपीडिया और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कई बार काफ़ी जो एक्यूरेसी है वो डाटा हमें नहीं मिल पाता है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विकीपीडिया वगैरह हमेशा ही गलत होते हैं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि वहाँ भी गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो हम लोग एक ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए ना, जैसे आप मान लो कि देश के किसी भी नागरिक को कोई भी डाटा चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, की कहीं भी सर्वे वगैरह का किसी भी तरह का डाटा अगर वो ढूंढना चाहिए तो उसे कहाँ मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी सेंट्रल सिस्टम है नहीं। तो इसलिए ये सारा सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट है वो लोगों को ऑथेंटिक डाटा प्रोवाइड करवा सके, और यहाँ पे पब्लिक हो या प्राइवेट कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकता है गवर्नमेंट की वो परमिशन से। ये यहाँ पे बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वुमेन विजार्ड रूल टेक प्रोग्राम के बारे में। तो वुमेन विजार्ड्स रूल टेक प्रोग्राम है ये एक्चुअली नेस्कॉम और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा इसको बेसिकली स्टार्ट है वो किया गया है। अब इसका एम क्या है वो देखते हैं, फिर आगे हम बेसिक चीज़ें वो जानते हैं। वुमेन विजार्ड रूल टेक प्रोग्राम है ये एक्चुअली वुमेन की जो पार्टनरशिप है, वुमेन की जो हिस्सेदारी है हमारे देश में IT सेक्टर के जॉब में मेनली, उसको प्रमोट करने के लिए है। मतलब वुमेन है, देखो हो क्या रहा है, अभी हमारे देश में वुमेन काम तो कर रही है IT सेक्टर में, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी उनकी जो पोस्टिंग वगैरह देखी जाए तो काफ़ी नीचे वाली पोस्ट में रहती है। मतलब मैनेजर, जनरल मैनेजर, ऐसी पोस्टों पे बहुत कम ही वुमेन जा पाती हैं, कि वो नॉर्मल वर्कर की फॉर्म में ही वुमेन है वो IT सेक्टर में बेसिकली काम कर रही है। तो जो IT सेक्टर है उसमें सीनियर लेवल पे वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए वुमेन विजार्ड रूल टेक प्रोग्राम है वो नेस्कॉम और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल है, इन दोनों के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया है। इससे एक फायदा ये होगा कि जो वुमेन है इनको एक तरीके से काफ़ी सपोर्ट भी दिया जाएगा, उनको लीडरशिप में काफ़ी अहम रोल है वो दिया जाएगा। क्योंकि देखो वुमेन को बेसिकली क्या है कि काफ़ी नीचे तक की जॉब है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि डाटा एंट्री का जॉब दे दिया या फिर मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोस्ट बहुत कम ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात होगी जा रही है कि भाई नेस्कॉम और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल है इन दोनों ने डिसाइड किया है कि वुमेन का जो रोल है सीनियर लेवल पे IT फील्ड में उसको इंक्रीज है वो किया जाए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो लीडरशिप है वुमेन की उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करने की बात है वो की जा रही है। तो ये यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट है वो हमारे लिए बन जाता है। अब हम देखते हैं कि नेस्कॉम है क्या। नेस्कॉम है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक तरह का एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बनाया गया ये जो कि सॉफ्टवेयर और सर्विस जो कंपनीज है ना उनका, यह एक ट्रेड ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है।
कौन कौन सी कंपनीज का, आईटी सेक्टर की जो कंपनीज वो होगी, इसके साथ बीपीओ इंडस्ट्री होगी, इनके द्वारा एक ग्रुप है वो बनाया गया है, एक एसोसिएशन है वो बनाया गया है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉइसकॉम है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, उनका एक ट्रेड ग्रुप है, उनको मतलब रिप्रेजेंट करता है। उनकी कोई भी बात गवर्नमेंट के सामने रखनी हो या कोई भी उनकी पॉलिसी वगैरह कुछ भी कोई भी इश्यूज वगैरह हो तो इसके थ्रू अपने इश्यूज वगैरह को क्लियर वगैरह करवाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉइसकॉम है क्या, ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो इसने और इसी के साथ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल है, इन दोनों ने मिलकर वुमेन विजार्ड रूल टेक प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज आई है वो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एचआरडी मिनिस्ट्री, जो हमारे जावड़ेकर साहब जी हैं उनकी मिनिस्ट्री है, और उस मिनिस्ट्री की बात यहाँ पे की जा रही है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव यह लिया गया है, और इसकी मैली बजट 2017-18 का जो बजट था ना उसके दौरान इसकी बात की गई थी कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो बनाई जाए। अब काम क्या होगा इसका वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो आपको पता है कि जो सीबीएसई है ना वो काफी सारी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि आईआईटी जेई की एग्जाम हो गई, इसके साथ नीट की एग्जाम पहले सीपीएमटी के नाम से जानी जाती थी, और भी बहुत सी एग्जाम्स हैं जो बेसिकली इनके द्वारा करवाई जाती है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात यहाँ पे हो रही है। अब आपको पता है कि काफी टाइम पहले जेई में भी कुछ आरोप लगे थे कि भाई पेपर में धांधलीबाजी हो रही है, और सीपीएमटी का जो पेपर है नीट की एग्जाम है उसमें भी काफी इश्यूज लगे थे कि पेपर लीक वगैरह जैसे इश्यू सामने आ रहे थे। तो मतलब कहीं ना कहीं सीबीएसई इस काम को करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, मतलब नाकाम हो गई थी कि भाई वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रह सके और लोगों का विश्वास यहाँ पे बना रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई देखो सीबीएसई है उसका और भी बहुत से काम है, स्कूलों को मान्यता वगैरह देना, उनकी चेक वगैरह करना, वो वैसे काम भी उसके द्वारा ही किए जाते हैं। तो क्यों ना टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग से ही बॉडी बना दी जाए, और ये इसलिए बॉडी बनेगी है उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये बॉडी क्या करेगी, ये एक ऑटोनोमस रूप से काम करने वाले, इसके साथ सेल्फ सस्टेंट है, मतलब इसको गवर्नमेंट ने पहले साल तो पैसा दे दिया कि हाँ भाई ठीक है आपको इन बिल्डिंग वगैरह बनानी है, ठीक है हमने पैसा दे दिया। इसके बाद में इस बॉडी के पास गवर्नमेंट पैसा वैसा कुछ नहीं देगी, इस बॉडी को जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे उनके थ्रू पैसा मिलेगा, और उसके द्वारा टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करेगी, मतलब प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है ये, जो कि जो सीबीएसई जो मैंने एग्जाम करवाती है जैसे कि जेई की एग्जाम हुई, नीट की एग्जाम, इन एग्जाम को बेसिकली कंडक्ट करवाएगी। तो अभी इसकी फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार बातें हैं कि यह ईयर में दो बार एग्जाम कंडक्ट होगी ऑनलाइन वगैरह, तो वो सब यहाँ पे फैसिलिटी है उनको दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्या, क्या इसके काम है, सीबीएसई की है, सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी है, सेल्फ सस्टेन करेगी स्टार्टिंग में, बस पहली बार गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा बजट दिया है ताकि काम ठीक ठाक से चलता रहे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस कर लिया है, नेशनल हेल्थ रिपोजिटरी रिसोर्स रिपोजिटरी के बारे में, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। इसमें जो भी डाटा सिक्योर करना है सारा, सिक्योरिटी पार्टनर है वो यहाँ पे इसरो होगा, ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड डाटा है और अपडेटेड डाटा है वो लोगों को पब्लिक और प्राइवेट दोनों को यहाँ पे हेल्थ केयर को प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। ये यहाँ पे बेसिक पॉइंट आती है। इसके साथ ही स्टेट हुआ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम है वो यहाँ पे किया जाएगा। देखो ऑब्वियसली अगर सेंट्रलाइज डाटा बनाना है ऑल ओवर इंडिया का तो स्टेट और सेंट्रल को दोनों को साथ तो आना ही पड़ेगा, तो इस तरह के बेसिक टर्म्स हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आई है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के बारे में। देखा जाए तो यह कैंपेन है जो कि मेनली स्टार्ट किया गया था BECIL के द्वारा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब गवर्नमेंट का एक PSU है, उसके द्वारा ये एक हब या बोल सकते हो एक कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया था। क्यों, क्योंकि ये कैंपेन इसलिए स्टार्ट किया गया है, देखो गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम वगैरह चलाती है, गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम चलाने की कोशिश करती है, इसके अलावा जो पुरानी स्कीम चल रही हैं उनके बारे में एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता तो रहे ना कि भाई उनके हालात कैसे हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास एक फीडबैक तो होना चाहिए ना। तो उस फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब है वो बेसिकली स्टार्ट है वो किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब है जो फीडबैक कलेक्शन स्कीम के तहत स्टार्ट किया गया है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, पीछे का जो डाटा है ना जब भी कोई स्कीम वगैरह चलाई गई उसको एक्चुअली वहां से उठाएगी और उसके बाद उसका सही ढंग से यूज हो करेगी। जैसे फीडबैक ऐसे हो गया गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम चलाई स्वच्छ भारत अभियान, अब उसका फीडबैक लिया जाएगा लोगों से, लोगों की एक्चुअली वेबसाइट सोशल साइट्स वगैरह है वहां से डाटा कलेक्ट करेगी कि हाँ भाई इस ऐसा पता चल रहा है कि ये स्कीम ऐसी चल रही है, इस स्कीम में गवर्नमेंट के द्वारा ये कमी किए गए हैं। क्योंकि आपको पता है देखो जो भी लोग है ना वो आपको पता है कि सोशल साइट्स वगैरह पे कमी वगैरह सब चीजें बताते हैं, जैसे हम लोग भी आप देख लो कई बार हम सोशल साइट्स पे कोई भी स्कीम वगैरह कुछ भी आता है तो हम बीजेपी या कांग्रेस हम उसको क्रिटिसाइज वगैरह करते रहते हैं कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे सही नहीं करी है, यहाँ पे सही नहीं करिए। तो अगर उस डाटा को अगर गवर्नमेंट ट्रैक कर ले और उसको सही ढंग से यूज करे तो काफी बेनिफिट हो सकते हैं ना, गवर्नमेंट देख सकती है रियलमी हाँ यार हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो हम इसको सुधार सकते हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब है वो स्टार्ट किया गया ताकि फीडबैक कलेक्ट किया जा सके, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म हो गए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम और भी सारे प्लेटफॉर्म है वहां से डाटा को यूज है वो किया जाएगा। तो ये तो थी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के बारे में। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज आई है वो आई है वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल के बारे में। देखो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है SIPRI, सिप्री,
इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने अभी एक्चुअली क्या किया कि ईयरली डाटा वगैरह अरेंज करता है, और इसने भी ये बताया कि भाई देखो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन कौन कौन सी सॉरी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन वगैरह है, उन सब की बातें यहाँ पे की गई हैं। तो इसमें मैंने ये बताया कि देखो 9 कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन वगैरह हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है, उसके बाद में यूएसए के पास, बाद में यूके, फ्रांस, फिर चाइना, फिर इसराइल, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर नॉर्थ कोरिया। बट यहाँ पे पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा बताया जा रहा है। देखो ये ऑथेंटिक डाटा नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि ये अपने सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा देती हैं, कि कोई भी कंट्री वो अपना ऑफिशियल डाटा वो रिलीज नहीं करती है मेनली, तो इसलिए केवल अनुमान या उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनके तहत ये डाटा कलेक्ट है वो किया गया। तो ये मेनली जो सिप्री इंस्टीट्यूट है ना SIPRI, ये सिप्री इंस्टीट्यूट मेनली आर्मामेंट मतलब वेपन्स वगैरह के लिए, डिसआर्मामेंट, इसके साथ ही जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसका सर्वे वगैरह करती है, और उसके आधार पर मेनली ये काम है वो करती है। एक सेकंड आपको आपसे क्लियर कर लेते हैं। ये देखो वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पैलेस ने बताया कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है वो बताइए यहाँ पे रशिया के पास। यहाँ पे देख सकते हो रशिया के पास 14,175 न्यूक्लियर वेपन है, देखा जाए उसके बाद में टोटल है, तो देखा रशिया के पास है 6,600, फिर यूएसए के पास आते हैं 6,400, तो ये इस तरीके से दिए गए हैं। फिर फ्रांस के पास बताए गए हैं 300, चाइना के पास 270, यूके के पास 215, इसके बाद में पाकिस्तान के पास 130, इंडिया के पास 120, इसराइल के पास 80, और नॉर्थ कोरिया के पास 15 से कम। तो ये ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ना ही हमें इसको याद करने की जरूरत है, बस ये पता होना चाहिए हाँ भाई कैसा क्या है, जो हमें यहाँ पे पता चल गया कि किसके पास कितने मोटा मोटा आइडिया हो गया। तो एक सर्वे किया गया था उसके आधार पे बेसिकली जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कंटेक्स्ट के तौर पर। अब चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है ह्यूमंटेरियन फोरेंसिक के बारे में आई है, कि विश्व का पहला जो सेंटर है ह्यूमंटेरियन फोरेंसिक का वो एक्चुअली गुजरात में ओपन किया गया है। किसके द्वारा ह्यूमंटेरियन फोरेंसिक सेंटर खोला गया है, क्या इसके काम होंगे वो हम देखते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमंटेरियन फोरेंसिक है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। ह्यूमंटेरियन फोरेंसिक मतलब ह्यूमंटेरियन जो क्राइसिस वगैरह होते हैं मानवता के लिए, उसके लिए फोरेंसिक जांच वगैरह करने के लिए यह एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। तो उसने अभी गुजरात के अंदर इंस्टीट्यूट को ओपन किया है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसका नाम है गुजरात फोरेंसिक सर्विस यूनिवर्सिटी। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि सबसे पहला इंस्टीट्यूट कहाँ पे खोला गया है, तो ये खोला गया है इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अब होगा क्या, कैसे ये काम करेगा, देखो एक जॉइंट वेंचर है मेली इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस रीजनल डेलीगेशन, जिसमें कौन कौन आता है रेड क्रॉस रीजनल डेलीगेशन में, इंडिया आते हैं, भूटान आते हैं, नेपाल, मालदीप और इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है ना GFSU, इन चारों पांचों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। काम क्या होगा इसका वो देखते हैं। देखो जब भी कहीं भी ह्यूमंटेरियन क्राइसिस होते हैं तो उनके लिए स्टडी वगैरह करना, उनके लिए जो भी हेल्प वगैरह करना, वो सारे काम इसके द्वारा किए जाएंगे। तो ये इसका बेसिकली मेन मोटो काम है, वो हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका काम होगा क्या। यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बन जाता है कि ह्यूमंटेरियन जो फोरेंसिक सेंटर खोला गया है इंडिया में, उसका काम ये होगा कि जब भी कहीं भी ह्यूमंटेरियन क्राइसिस होते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से उनसे निपटा जा सके, कैसे उनके लिए फैसिलिटी वगैरह वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये थी कंप्लीट न्यूज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। यहाँ पे एक छोटी न्यूज और रहेगी, तो थी UNHRC के बारे में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि यूएसए महाशय के जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने एक्चुअली UNHRC से क्या है विड्रॉल कर लिया है। क्यों कर लिया है, आपको पता है कि यूएसए और इसराइल की बॉन्डिंग काफी ज्यादा है, तो अभी इसराइल पे ह्यूमंटेरियन के कुछ आरोप लगे थे, ह्यूमंटेरियन वायोलेशन के, और ये बात एक्चुअली यूएसए को पसंद नहीं आई और इसीलिए सारा सीन है वो ऐसे हो गया कि यूएसए ने अभी अपना हाथ है, मतलब यूएसए ने UNHRC से अपना विड्रॉल है वो कर लिया। इससे पहले यूएसए ने आपको बताया कि यूनेस्को से भी अपना विड्रॉल है वो कर लिया था। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने एग्जाम में जो UPSC पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन हटा कौन नहीं हटा। अब आपको बता दूं कि UNHRC है वो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि 2006 में स्प्लिट एजेंसी वगैरह बनी थी। काम क्या करती है, जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उनके लिए बेसिकली इसके द्वारा काम है वो किए जाते हैं, वहाँ पे राहत कार्यक्रम चलाना, इसके अलावा उस कंट्री को थोड़ा मतलब प्रेशराइज करना कि हाँ भैया आप गलत कर रहे हो, उनको समझाना, वो सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं। और इसके जो बॉडी के मेंबर हैं UNHRC के, वो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा इलेक्ट है वो किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रिसेंटली यूनेस्को से भी यूएसए ने विड्रॉल कर लिया है और अभी UNHRC से भी यूनेस्को ने विड्रॉल है वो कर लिया है। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको लगता होगा कि यार इसराइल और यूएसए के बीच में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग क्यों है। देखो तो इसराइल में जो जूज लोग रहते हैं ना, वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है वो जूज है। अब आपको बता दूँ कि यूएसए की जो इकोनॉमी है ना मेनली वो जूज लोगों पे ही डिपेंड है, तो इसलिए वो जूज है जो आप बोल सकते हो कि कम्युनिटी है उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है यूएसए में, और यूएसए में उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और इसीलिए उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि विकसित कंट्री है तो ऑब्वियसली वहाँ पे पैसा ही उनके लिए मेजोरिटी होती है,
और वहाँ पे मैक्सिमम जो शेयर स्टेक होल्डर है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो जूज इकोनॉमी से ही हैं। और जूज इकोनॉमी फेमस कहाँ की है? मेनली इसराइल की। हम लोग इसराइल के लोग हैं जूज, और उनके बेसिस पे वहाँ की इकोनॉमी है, तो वो इसलिए ही यूएसए है, ज़्यादा इसराइल का सपोर्ट वगैरह करता है। वैसे कहीं काम तो नहीं आने वाला, बट थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी हो क्या रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन। पीडीएफ जैसा मैंने आपको बता दिया है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, या आप वैसे भी फेसबुक पे जाइए और वेलकम यूपीएससी टाइप कीजिए और वहाँ पे आपको पेज मिल जाएगा, और उस पे आप पीडीएफ और डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता हो कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर जो टेलीग्राम वगैरह का चैनल है वहाँ पे आप ग्रुप वगैरह बना लीजिए, तो अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम पे बेनिफिट होने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उस हिसाब से वहाँ पे भी पीडीएफ वगैरह का फिर अरेंजमेंट है वो किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी वगैरह है और डेली आंसर राइटिंग है, वो आप अन अकेडमी पे जाके कर सकते हो। डेली हिंदी में मैंने आपको वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए हैं। डेली वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन है वो अपलोड किए जा रहे हैं। इसके साथ यूनाइटेड नेशन की कंप्लीट बॉडी वहाँ पे है, यूएन और यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स हैं, यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशल एजेंसी है वो भी वहाँ पे कवर की गई है। हिंदी के अंदर तो कोई इश्यू आपको होगा नहीं। इसके साथ अहम बात है कि उनकी जो पीपीटी वगैरह है वो आपको फेसबुक का जो पेज है वहीं पे मिलेगी, तो उसमें आपको इश्यू है नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा मेरी फेसबुक पे जो आईडी है, पर्सनल आईडी, वो है JNPDR नाम से, JNPDR इस नाम से है, देवेंद्र सिंह नाम से आपको फेसबुक आईडी मिलेगी। वहां से आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड है वो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इश्यूज हो तो वहां पे आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही अनअकैडमी के एक दो पॉइंट्स और भी हैं वहाँ पे, वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इन्वायरमेंट की कंप्लीट सीरीज है, जो इन्वायरमेंट की बॉडीज हैं, इन्वायरमेंट की जो भी स्कीम वगैरह है, वो मैंने कंप्लीट वहाँ पे अनअकैडमी पे अपलोड है वो कर दी है। अगर आपको नहीं मिल पा रही हो तो आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपको वो सारा कंटेंट है वो प्रोवाइड करा दूँ। सब कुछ फ्री है, कोई भी पेड वगैरह प्रोग्राम वहाँ पे नहीं है, ये आप ध्यान रखना। अब सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा इजीली, फ्री आप उसको एक्सेस है वो कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन आज की। फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।